दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में बड़े फेरबदल के सपने के साथ राजद सुप्रीमो लालू यादव बड़ी रणनीति बनाने में लगे हैं और बिहार में लोकसभा की 40 सीटों पर जीत का परचम लहराने के लिए लालू यादव की पार्टी राजद विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। लेकिन 5 जुलाई 1997 को गठित राजद के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के इतिहास पर गौर करें तो चुनाव दर चुनाव पार्टी कमजोर हुई है। न सिर्फ लोकसभा की सीटें घटी है बल्कि वोट बैंक भी करीब आधा हो चुका है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले वर्षों में राजद के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी हुई है, जिससे पार्टी की स्थिति कमजोर हुई है। राजद के इतिहास को देखें तो वर्ष 1997 में पार्टी गठन के एक साल के बाद ही वर्ष 1998 में लोकसभा के चुनाव हुए थे और मार्च 1998 के राष्ट्रीय चुनाव में राजद ने बिहार में 17 लोकसभा सीटें जीती। वहीं वोट हासिल करने के मामले में भी राजद ने शानदार परफॉर्मेंस किया और उसे 26% वोट आए थे। हालांकि एक साल के बाद ही बिहार में फिर लोकसभा के चुनाव हुए और अक्टूबर 1999 के चुनाव में राजद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। इस बार लालू यादव की पार्टी राजद को बिहार में जोरदार झटका लगा। राजद सिर्फ 7 लोकसभा सीटें जीत पाई, यहां तक कि लालू यादव भी चुनाव हार गए। हालांकि वोट प्रतिशत को देखें तो राजद के खाते में 28% वोट आए थे, यानी वोट प्रतिशत बढ़ने के बाद भी सीटों का बड़ा नुकसान राजद को हुआ था। राजद ने 2004 के लोकसभा चुनाव में 24 लोकसभा सीटें जीती, जिसमें बिहार में 22 सीटें रही। वह चुनाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ राजद गठबंधन में लड़ी गई थी और इसी के बाद केंद्र में 2004 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए वाली सरकार में लालू यादव ने मई 2009 तक रेल मंत्री का पद संभाला था और उस चुनाव में राजद का वोट प्रतिशत 30% था और यह अब तक का राजद का सर्वाधिक वोट प्रतिशत रहा। 5 साल के बाद हुए 2009 के भारतीय आम चुनाव में सीट साझाकरण वार्ता विफल होने पर राजद ने यूपीए से अपना गठबंधन तोड़ दिया और राजद ने रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन बनाया था और जिसे तब चौथा मोर्चा करार दिया गया था। लेकिन बिहार में आरजेडी ने बेहद खराब परफॉर्मेंस किया और केवल 4 सीटें जीती और ये सभी बिहार में ही थी। उस चुनाव में राजद का वोट प्रतिशत करीब 5% कम गया और 2009 में राजद का वोट शेयर 25% रहा। इसके बाद 2014 के भारतीय आम चुनाव में राजद यूपीए में वापस आ गया और बिहार में राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा और बिहार की 40 सीटों में से राजद 27 सीटों पर और कांग्रेस 12 सीटों पर और एनसीपी 1 सीट पर चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस चुनाव में भी राजद को बड़ा झटका लगा और बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में से राजद को केवल 4 पर जीत मिली थी। वही वोट प्रतिशत फिर से करीब 5% कम गया और 2014 में राजद को बिहार में 72,24,893 या 20% वोट मिले थे। एक बार फिर से 2019 में राष्ट्रीय जनता दल के वोट प्रतिशत में 4% की कमी हुई और राजद को मात्र 15% वोट मिले थे। वही पार्टी के गठन के बाद वर्ष 2019 पहला चुनाव था जब राजद को एक भी लोकसभा सीट पर जीत नहीं मिली थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी जीत की रणनीति बनाने में लगे राजद सुप्रीमो के लिए इतिहास का आंकड़ा एक चुनौती की भांति है और राजद को अपने जनाधार को मजबूत करने पर ही कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। दोस्तों बिहार से जुड़ी और भी अपडेट लगातार पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।